आज अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा बरहक हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु 21 रमजान मुबारक को कूफे की जामे मस्जिद में शहादत का दर्जा हासिल कर गए। हजरत शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इससे बूझ रखा उसने मुझसे बूझ रखा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली का बूझ निफाक है, अली का बूझ निफाक मुनाफिक होने की अलामत है। और फरमाया, अली का प्यार ईमान है। अली का बूझ कितनी बड़ी बात है, अली का बूझ निफाक है और अली की मोहब्बत ईमान है। अली का प्यार अलामत ईमान है। दो तीन किस्म के ग्रुप बन गए। एक तो ग्रुप वो है जो कहता है हजरत अली और बस, बाज को तो करम अल्लाह ताला वजहुल करीम कहने की भी तौफीक नहीं होती, वो कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, कहा करो इससे भी आगे ना जाओ। वो लफ्ज मौला जो खुद नबी पाक ने बुखारी में मुस्लिम में मौजूद है, फरमाया मन कुंत मौला फहाज अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली भी। हुजूर ने जो लफ्ज बयान किया, इस लफ्ज से भी बाज लोग डरते कहते नहीं नहीं ये लफ्ज नहीं बोलना, ये नहीं कहना, हमने मसला बन जाएगा। कुछ सिरे से इस कदर ज्यादा माज अल्लाह ताला अपनी तबीयतों को बोझ समझने लगे कि उन्होंने कहा हजरत अली, और फिर इससे ज्यादा किसी और बात को बयान करना मुनासिब ना समझा। एक दूसरा तबका बन गया जिन्होंने हाथ के अंदर दौरी डंडा ले लिया, वो चर्स बनाते हैं, भंग लेते हैं, वो धंधा करते हैं, बड़े बड़े उन्होंने गले के अंदर संगल डाल लिए, जंजीरें पहन लिए, और कोई शय आती नहीं, सारा दिन अली अली करते रहते हैं सारा दिन। हजरत अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, सुने हजरत अली फरमाते हैं कि दरिया बह रहा हो, दरिया, उस दरिया में अगर एक कतरा शराब का गिर जाए फिर वो दरिया खुश्क हो जाए, फिर उस दरिया की सतह पर यानी नीचे घास उगाए, और अगर मेरा घोड़ा वो घास खा ले तो मैं उस घोड़े की सवारी करना पसंद नहीं करता। इतनी नफरत नशे से, शराब से मौला अली शेर खुदा की। और हमने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों के हवाले कर दिए माजअल्लाह, जो बेचारे छः छः महीने गुसल नहीं करते, जिनको वजू का पता नहीं। मैं कहता हूँ इन लोगों के लिए सजा होनी चाहिए। मैं इस हजारों के इज्तिमा में ये कहता हूं कि उन लोगों पर पाबंदी होनी चाहिए। हजरत अली का नाम तो मुकद्दस नाम है, मौला अली की शख्सियत तो मुकद्दस शख्सियत है। जिस आदमी के मुंह के अंदर सिगरेट की बदबू आ रही है, गंध जिस शख्स ने अपनी जुबान पे भरा हुआ है, वो अली अली पुकार रहा है, पाबंदी होनी चाहिए। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बड़ा पाकीजा है। मेरे दादा शेख हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत फाजिल बरेलवी के छोटे साहबजादे थे, तो मुफ्ती आजम कहलाते थे, लोग बड़े बड़े उनसे फतवे लेने जाते थे। उनका एक मुरीद किसी शख्स से कहने लगा, मेरे पीर साहब इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। वो कहने लगा, यार तुम लोगों का तरीका ये है, जिसको बढ़ाते हो बहुत ही बढ़ा देते हो। कहा नहीं, वो मुफ्ती आजम है। कहने लगा चलो ऐसी बात है तो मैं भी एक दो मसला पूछ लेता हूँ। वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आ गए दोनों। वो तनकीद करने वाला आया और आगे कहने लगा, जी आप मुफ्ती आजम है तो आपका ये मुरीद मुझे लाया है सवाल पूछना था। पूछो। कहने लगे, नबी पाक की चारों बेटियों का नाम बताएं। हुजूर मुफ्ती आजम इन बैठक में बैठे थे ड्राइंग रूम में, वहां से उठे और जो कमरा जाता था ना अंदर उस तरफ चले गए। वो कहने लगा, ये है तुम्हारा पीर, तुम कहते थे मुफ्ती आजम है, इसे चार बेटियों के नाम नहीं आते, किताब देखने चला गया है, वो किताब से देख के बताएगा। आपके मुरीद कहते हैं, मैं भी खामोश हो गया कि सवाल तो इतना मुश्किल नहीं था। हजरत उठ के कुछ चले गए, थोड़ी देर के बाद आए तो उनकी दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे थे। फरमाने लगे, वुजू करने गया था, मैंने मुस्तफा की बेटियों के नाम कभी बगैर वुजू के जुबान से अदा ही नहीं किए, मैं वुजू करने गया था इसलिए कि ये शहजादियां बड़ी पाक हैं, ये लोग बड़े ये पाक लोग हैं, इनके नाम पलीत जुबानों से लिए जा सकते, नापाक जुबानों से ये नाम नहीं लिए जा सकते। यहाँ हजरत मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम जिनकी शख्सियत का ये असर है, बड़ा जालिम है वो पीर, बड़ा जालिम है।
जिसने बिल्कुल बदअमल और बुरे किस्म के कवाल बिठाए हुए हैं, जो ना मुंह धोते हैं ना उनको पता है शरीयत इस्लामिया का, उनके मुंह से तो हजरत अली की तारीफ सुनेगा, इनके मुंह से तो मौला अली की बात सुनेगा, जिन्हें वुजू करने का तरीका नहीं आता। शेर खुदा की बात वो करेगा जिसके मुंह में मिसवाक की खुशबू भी हो और जिसके सीने में रसूलुल्लाह का प्यार भी हो। ऐसे यार आदमी को इजाजत दे दी जाएगी? इस कदर ज्यादा ज्यादती इन मुकद्दस हस्तियों के साथ हजरत अली शेर खुदा, दुनिया क्या जाने मौला अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम वो शख्सियत है। ओ भाई, कुछ लोग जवानी गुजार के दरे रसूल पे आए, कुछ कुछ बहारें देख के आए, कुछ बहारें यहां देखी, कुछ चढ़ती जवानी में आए। अलीगुल मुर्तदा शेर खुदा कहते हैं, मैंने कोई जवानी नहीं देखी, मैं 10 साल का था जब नबी पाक के कदमों से लग गया था, 10 साल का मैनु इश्क लगा सी खेडा खेड दिन ते खेडा भुल दिया भुल गई, मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने नू, फिर ओदी याद च रोंदिया ही डुल गई। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुल गई। हजरत अली शेर खुदा, वाकया क्या हुआ? पहली बात तो ये कि रसूल पाक ने उनके घर में परवरश पाई। हुजूर अलैहिस्सलाम अब जब थोड़ा सा मामला बेहतर हुए, सरकार का निकाह हो गया, हजरत खदीजतुल कुबरा के पास तशरीफ ले गए। कहत आ गया मक्का मुकरमा में, गुर्बत आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास के पास गए, कहने लगे गुर्बत है, परेशानी का आलम है, हालात दिगरगू हैं और जनाब अबू तालब पर बोझ बड़ा है, चलो चल के उनका बोझ बटाए चलो। कहा ठीक है चलो, उनका एक एक बेटा ले आते हैं, उनके बच्चे ज्यादा हैं, हम खिदमत करेंगे अपने चचाजाद भाइयों की, अपने घर में रखेंगे, बोझ बट जाएगा। हजरत अब्बास कहते हैं रसूल पाक मुझे साथ लेके गए, हमने जाके जनाब अबू तालब से बात की तो खुशी खुशी कहने लगे ले जाओ जिसको दिल करे, जिसको दिल करे ले जाओ। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर से कहा जिसका आपको दिल करे आप ले जाएं, दूसरा मैं ले जाता हूं। तो हुजूर ने फरमाया आपका क्या ख्याल है, मैं किसको लेके जाऊंगा? तो हजरत अब्बास कहने लगे सारी दुनिया को पता है आप अली को लेके जाएंगे, ये जमाना जानता है, बचपन का प्यार है, कुन फाया कुन ते कल दी गल है, अब सब पहला प्रीत रलाई। फरमाया मुझे हमें पता है आप किसको लेके जाएंगे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत में लफ्ज बड़े प्यारे हैं, अल्लाह करे आपको लुत्फ आए इस बात का, लफ्ज बड़े प्यारे हैं। हजरत अली कहते हैं मेरा कद छोटा था और मैं बच्चा था, अभी 7-8 साल उम्र थी, अल्लाह के रसूल मेरे सहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया अली आजा यार सीने से लगता। तो हजरत अली कहते मैं दौड़ के गया, दौड़ के मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया। हजरत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है, 8 साल की उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफा के सीने से लगा हुआ, मेरा ही सीना लगा हुआ था हुजूर के सीने। मियां साहब ने कहा था पानी परन सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिसका तोड़ चढ़े। फरमाते हैं मेरा ही सीना हुजूर घर ले आए। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो मैं अभी छोटा बच्चा था, 9-10 साल उम्र थी, एक दिन मैंने हुजूर को देखा। यहाँ तो हजरत अली का नाम लेने वालों ने पक्की पढ़ ली है ना, पक्की पड़ी हुई है, सारे ही अल्लाह खैर करे मजबूब हो गए, रोटी जमीन पे खाते हैं, नमाजें अर्श पे पढ़ते हैं, वो बाकी सारे काम दुनियादारी के करते हैं, नमाज की दफा मजबूब हो जाते हैं, बाकी हर चीज की होश है, सिर्फ इन्हें नमाज रोजे की होश नहीं। मौला अली शेर खुदा मुतासर किस चीज से हुए? आप कहते हैं मैं इस्लाम की किस चीज से मुतासर हुआ? फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, मैं बच्चा था, एक दिन मैंने हजरत खदीजतुल कुबरा को और नबी पाक को नमाज पढ़ते देखा, नमाज का फर्ज हुई तो ये वह हुजूर कौन सी नमाज पढ़ रहे थे, हम तो फर्ज होने के बाद नहीं पढ़ रहे और रसूल पाक फर्ज होने से पहले नमाज अदा फरमा रहे, फर्ज होने से पहले ना। और हजरत अली का मैंने कौल सुनाया था। मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने दुआ की है, खुदा बंदा मुझे जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना, जहां नमाज ना हो मेरा तो वहां दिल ही नहीं लगता। हजरत शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजोल करीम इरशाद फरमाते हैं हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के साथ नमाज पढ़ रही थी, अल्लाह अकबर कहा, फिर गर्दन झुकाई, देर तक खड़े रहे, फिर रुकू किया, फिर सर सजदे में रखा तो देर हो गई। कहते मैं बच्चा था, गौर से देखता रहा, गौर से देखता रहा। जब हुजूर फारग हुए तो मैंने कहा ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाह, ऐ मेरे मुअज्जज भाई, ये आप क्या कर रहे थे? तो हुजूर ने फरमाया मैं उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया हूं, उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया हूं।
तो हजरत अली कहने लगे मुझे बड़ी पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। मुझे क्या पसंद आई है? चलो सारे बोलो भला, क्या पसंद आई है? क्या पसंद आई है जी? दुआ करें सारे मुसलमानों को नमाज पसंद आ जाए, आमीन तो कहना, सबको नमाज पसंद आ जाए। अल्लाह करे ऊपर जितनी माएं बहनें बैठी हैं सबको नमाज पसंद आ जाए, और अपने बच्चों को भी वो नमाज का आदी बना दे। नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली कहने लगे कि हुजूर मुझे पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। क्या? नमाज। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़, तू भी नमाज पढ़नी शुरू कर दे। और फिर चुपके से हुजूर ने कान में कहा, फरमाया अपने अब्बा जी से मशवरा कर ले, कलमा पढ़ते वक्त मशवरा कर ले। जनाब अली कहते हैं मैं गया जनाब अबू तालिब के पास, मैंने कहा मैंने कलमा पढ़ना है। तो कहते हैं जनाब अबू तालिब कहने लगे बेटा तेरे हक में सबसे बेहतर वही है जो मोहम्मद अरबी फरमाएंगे, वो तेरे हक में सबसे बेहतर है, इसलिए कि वो मुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करते हैं। जो कहे करता जा। हजरत अली कहते हैं 10 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया वान जी रशीदा का लकरबी, महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराए, करीबियों को डराए, करीबी रिश्तेदारों को दीन की दावत दें। करीबी जरा मुश्किल से मानते हैं, नेड़े रहने वालों को कदर जरा थोड़ी होती है, ये जरा मुश्किल से मानते हैं। हजरत अली कहते हैं मेरी नबी पाक ने ड्यूटी लगाई, फरमाया अली जा सारी बरादरी को बुला के ला। आप फरमाते हैं 10-11 साल का मुबल्लिग गलियों में फिरने लगा, 10-11 साल का मुबल्लिग, ये देखे कहां दोस्ती का आगाज होता है। कहते हैं मैं पहले दिन निकला अपने रसूल के कहने पर, मैं 10-11 साल की उम्र में दीन के लिए निकला, और फिर वो 10 साल में निकले तो बदर से लेकर ओहद तक, हुनैन से लेकर खैबर तक, और मदीने से लेकर कूफे की जामे मस्जिद की शहादत तक जनाबे अली दीन के लिए निकले ही रहे। फरमाते हैं 10-11 साल की उम्र में मैं निकला, मैंने अबू सुफियान को कहा, अबू लहब को दावत दी, मैंने अबू जहल को बुलाया, उतबा को, उतैबा को, वलीद को, मैंने अब्बास को, हमजा को, कहते मैं तमाम को, कुरैश को दावत दी हुजूर के घर में। नबी पाक ने खाना खिलाया, और खाना खिला के ना तो हुजूर ने नजर डाली, फरमाया मेरी बरादरी वालों, मेरे चचाओ, मेरे अजीजो, इसलिए बुलाया है कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं, मैंने सारी दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देना है, मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ तआवुन करो, आओ निकलो चले, उठो मेरे साथ। कहते खाना खाते वक्त तो गुफ्तगू सारे कर रहे थे, उस वक्त तो पुरजोश थे, चूरी खाने वक्त तो सारे तैयार थे, जब कहा खून देने की बारी आई है तो चुप कर गए, खून देने की बारी आई है तो चुप कर गए, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए, मेरे काफिले में शामिल कोई कम जरफ नहीं है। कहा चलो मेरे साथ उठो। तो हजरत अली कहते हैं हुजूर एक एक चेहरा देखते एक एक को पुकारते, तू चल, पर कोई आवाज ना देता। कहते जब मैंने हुजूर के चेहरे पर हल्की सी परेशानी देखी, मौला अली उम्र 10 साल 9 साल, कहते मैंने हल्की सी परेशानी देखी तो मैं खजूर खा रहा था, मेरी नजर पड़ी तो मैंने खजूर भी पूरी ना की, मैं पीछे बैठा था, बच्चा जो था पीछे बैठा था पीछे। कहते मुझसे रहा ना गया, मैं उठा, कद पहले छोटा था, उम्र थोड़ी थी, मैंने एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़ा हो गया, और यूं दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये नहीं चलते तो ना चले, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप मैदान में निकले, जहां भी जरूरत पड़ेगी अली आपकी हिफाजत करेगा। हुजूर आप मैदान में निकले, दीन को जहां भी जरूरत पड़ेगी अली अकेला आपकी मदद करेगा। आप निकलिए। हजरत अली फरमाते हैं 10 साल की उम्र में मैं अपने रसूल के साथ निकला। आज बड़ी बड़ी कोठियां पीरों की, उलमा की, और जो ज्यादा अली अली पुकारते हैं वो जिक्र करने के ज्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं, वो बेचते फिरते हैं जिक्र अहले बैत, बिकता फिरता है, और इस कदर ज्यादा जुल्म करते हैं कि अहले बैत का नाम लेकर सहाबा किराम अली मरिदवान पे तान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पे माजल्ला तान करते हैं। सुनो मरहब मुकाबले में आया, मरहब हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं 1000 के मुकाबले में वो लड़ा करता था, मेरे मुकाबले में आया तो कहने लगा भतीजे तुझे पता है मैं मरहब हूं, मैं मरहब हूं, तुझे पता है कैसे मुकाबला करोगे, तुम्हें पता है? हजरत अली कहने लगे मुझे तेरा नहीं पता, मुझे तो अपना पता है। आप कौन है? फरमाने लगे अना असदुल्लाह व रसूल ही, मुझे पता है कि मैं खुदा का भी शेर हूं, मोहम्मद मुस्तफा का भी शेर हूं। तुम मुकाबले में तो आ, मैदान लगेगा तो पता चलेगा। जब मैदान लगा तो हजरत अली ने 1 जरब लगाई तलवार की, ज्यादा नहीं, 1 जरब लगाई,
एक जरब लगाई तो कहते हैं उसका सर भी काटा, गर्दन भी काटी, वजूद भी काटा, और इतनी जोर से तलवार मारी कि उसके घोड़े के भी दो टुकड़े हो गए। हुजूर ने क्या फरमाया? अली की तलवार का एक वार दान में, एक वार अली की तलवार का। फरमाया दो जहां में अगर सारे लोग नफली इबादतें करें तो अली को अल्लाह फिर भी ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा। सारी दुनिया की इबादतों से ज्यादा दर्जा ले गया एक तलवार चला, एक तलवार चला। और जब खैबर का दिन आया, कई दफा सहाबा कहे फतह नहीं हुई, मेरे रसूल ने फरमाया सवेरे मैं झंडा दूंगा और जिसको दूंगा उसे अल्लाह फतह देगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कान में पूछा, मैंने कहा हुजूर वो कौन है जिसको आप झंडा देंगे, चले मुझे कान में बता दे वो कौन है। तो हुजूर ने फरमाया उसका तारुफ ये है कि वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। हुजूर कोई एक तारफ और, तो हुजूर ने फरमाया खुदा रसूल भी उससे बड़ा प्यार करता है। हजरत अली सियाबा कहते हैं सारे मुंतजिर रहे, हजरत उमर कहते हैं मैं सोया ही नहीं सारी रात कि मेरे हाथ झंडा आने वाला, सवेरे मुझे मिलेगी फतह की नवीद और खुशखबरी। फरमाते हैं मैं सोया ही नहीं। हजरत अली से पूछा आप किधर थे? जनाब अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मेरी तो आंखों में तकलीफ थी, मैं सोया हुआ था, पता क्या बना, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अइना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब को बुलाओ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आए तो आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए, या रसूलल्लाह मेरी आंखों में दर्द है, पर मैं हाथ पीछे कर, अल्लाह ने तेरे हाथ पे फतह लिख दी है, पीछे कर हाथ। हजरत अली कहते हुजूर ने लुआबे दहन लगाया मेरी आंखों पे, मुझे पहले से भी ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो गया। हजरत अली शेर खुदा एक हाथ में तलवार, एक हाथ में, 40 गज ऊंचा था खैबर का दरवाजा, 40 गज चौड़ा था। हजरत अली शेर खुदा कहते मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाता मैदान में गया, अल्लाह अकबर के नारे, मैं रसूलुल्लाह का भेजा गया तो मैं शान से गया कि मैंने सीधे हाथ में तलवार थी, उल्टे हाथ से पकड़ के मैंने 2-3 दफा दरवाजे को हिलाया और अल्लाह अकबर कह के जब मैंने फेंका तो 40 गज दूर जाके गिरा, 40। हजरत अली ने ना कूफे में दावत की लोगों की, जब आप अमीरुल मोमिनीन थे दावत की, सब लोग आए, एक नौजवान आया जिसने छोरा सुना था पर हजरत अली को देखा नहीं था, और हुजूर ने फरमाया नज़रु इला वजह अली ये इबादा, मेरे अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो एक सियाबी ने कहा हुजूर जो ना देख सके, फरमाया ज़िक्रु अली ये इबादा, उनके लिए अली का जिक्र करना इबादत है, अली का तज़किरा करना भी उनके लिए इबादत। हजरत अली को देखा नहीं था, जवान कहता जब मैं आया ना मैंने लोगों से पूछा वो बूढ़े मौला अली किधर है जिन्होंने खैबर का दरवाजा तोड़ा था, बड़ी शोहरत है, किधर है? कहते हजरत अली साहब ने बैठे थे, मुझे किसी ने कहा वो बैठे हुए, मैं गया तो हजरत अली अखरोट खा रहे थे, तो पूरा जोर लगा रहे हैं तो अखरोट कोई नहीं टूटता, पूरा जोर 2-3 दफा कभी इस दांत में, कभी इस दांत में, टूटता ही नहीं। कहते मैं हंसने लगा तो हजरत अली ने मुझे पास बुलाया, कहो बेटे इधर आ, तो मैं गया तो कहने लगे क्या सोच रहा है? कहते मैं डर गया, मैंने कहा हुजूर कुछ भी नहीं, लगे नहीं नहीं जो सोच रहा था तू बता, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, फरमाने लगे मैं बताऊं तू क्या सोच रहा था, बताऊं? कहा हुजूर बताइए। आप फरमाने लगे तू सोच रहा था बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, खैबर कैसे तोड़ दिया था, तू सोच रहा था कि इससे अखरोट तो टूटता नहीं तो खैबर कैसे तोड़ा था? फरमाते हैं मैंने कहा मैं यही सोच रहा था। ये जब अर्ज किया ना तो फरमाते हैं शेर खुदा का रंग ही बदल गया, पहले मुस्कुरा रहे थे फिर अंदाज बदल गया, उन्होंने अपने मुंह से वो जो खरोट लगा था झाड़ा, हाथ यूं झाड़े, इमामा सीधा किया और फरमाते हैं शेरे खुदा बन के बैठ गए, कहने लगे बेटे अखरोट को छोड़ कोई खैबर आ तो ला मैं अभी भी तोड़ने को तैयार हूं, खैबर कोई है तो ला मैं अभी भी तोड़ने को। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है, तो मैं तू इसको छोड़ अखरोट को तू ला। कहते मैंने कैफियत देखी तो हजरत अली का तो रंग ही बदल गया, मैंने कहा वाकया ये तोड़ डालेंगे, ये खैबर आज भी ये तोड़ डालेंगे, कैफियत ही बदल गई। फरमाते हैं शेरे खुदा मुस्कुराए, आने लगे बेटा डर ना मसला समझ। कहा हुजूर क्या है? आप फरमाने लगे अखरोट मैं जिस्म की कुव्वत से तोड़ रहा हूं और खैबर मैंने अपने ईमान की कुव्वत से तोड़ा था, मेरे ईमान में आज भी बड़ी कुव्वत है, आज भी अगर कुफर ललकारेगा, आज भी अगर दीन का दुश्मन ललकारेगा, अली का जज्बा है जिहाद आज भी बड़ा जवान है, गैरत है ईमानी आज भी बड़ी, दीन के साथ वफा का रिश्ता आज भी बड़ा मेरा जवान है, तो बता कोई खैबर तोड़ना है तो।
हजरत अली शेर खुदा, हर जगह कुर्बानी हजरत अली की। जब मदीने में ना हुजूर ने सबको अनसार और महाजरीन को भाई भाई बना दिया तो हजरत अली चुप करके खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया क्या सोच रहे हो? कहा हुजूर मुझे भी तो किसी का भाई बनाए ना। हुजूर ने फरमाया अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है आखिरत में भी मेरा भाई है। इमाम राजी ने लिखी है एक बात, बड़ी बड़ी अजीब बात लिखी। इमाम राजी कहते हैं जमीन पे नबी पाक ने हजरत अली को भाई बनाया था तो आसमानों पे जिब्रील अमीन ने हजरत मीकाईल को भाई बना लिया। तो रब करीम ने पूछा क्यों भाई बन गए हो? कब तेरे महबूब का जलवा देख के बन गए? इस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए ना, एक को हुजूर ने साथ ले लिया, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर का पहला नंबर, पहला नंबर किसका है? दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सबक बच्चों को याद कराएं। अब हमारे लोग मसले भी कवालों से पूछने लग गए, फतवा भी कवाल का चलता है, अल्लाह खैर करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने साथ ले लिया हिजरत की रात और मौला अली शेर खुदा को बिस्तर पे सुलाया। रस्ते में भी बड़ा खतरा था पर बिस्तर पे उससे ज्यादा खतरा था, इसलिए कि जब चादर में लिपटा हुआ कोई शख्स है तो किसी को क्या पता कौन है। अगर आके वो पर्दा ना हटाते ऐसे ही कत्ल कर देते तो क्या पुरसाने हाल होता, कुछ भी ना होता। इमाम राजी कहते हैं रब करीम ने फरमाया जिब्राइल मीकाईल तुम दोनों कहते थे हम भी भाई भाई बन गए, बताओ तुम में से कोई एक दूसरे पे जान कुर्बान करेगा? करेगा जान? फरिश्ते खामोश हो गए। तो रब ने फरमाया अब नीचे जरा जलवे तो देखो, अली मेरे रसूल पे जान कुर्बान कर रहा है, जाओ देखो ना जाके जलवे, तुम तो भाई भाई बने थे। फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला हमारी ड्यूटी क्या है? फरमाया अब तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम जाओ जमीन पे दो तलवारें ले लो और अली की चारपाई के ऊपर खड़े हो जाओ, उसने मेरे मुस्तफा पे जान कुर्बान की है, उसकी जान की हिफाजत करो, वहां खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। हजरत शेर खुदा मौला अली हर मैदान में अव्वल, हर जंग में पहल। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, अल्लाह फरमाता है सबकत लेने वाले सबकत ले गए, आगे गुजरने वाले आगे गुजर गए, और यही लोग हैं जिन्हें रब का कुर्ब नसीब हुआ। हजरत अली ने मकान नहीं बनाया, सारी जिंदगी मकान नहीं बनाया, कोई कारोबार नहीं किया सारी उम्र। अब इस पहलू पे भी जरा गौर करें, हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया। सहाबा इकराम अली मुरिदवान फरमाते हैं बड़े बड़े रिश्ते आए सैयदा फातिमा के लिए, बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों, हुजूर ने फरमाया मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। एक दिन तीनों यार इन लोगों का खुलूस देखे मौला अली के साथ, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। हजरत अली एक यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे तो वहां गए और जाके कहा अली तू हुजूर से सैयदा फातिमा का रिश्ता क्यों नहीं तलब करता? तो हजरत अली कहने लगे भाइयों ना मकान है ना घर है ना कुछ है, रिश्ता कैसे मांग लूं? कहा तू जा तो सही, हमें तो लगता है रसूल पाक तेरा इंतजार कर रहे हैं। मौला अली शेर खुदा कहते मैं गया, मैं गया, और जब मैं हुजूर की बारगाह में गया तो इन्होंने मुझे तैयार यार देना तैयार करके भेजा, मुझे लफ्ज भी सिखाए क्या कहने हैं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा ना तो मेरे अंदर ताकत ही खत्म हो गई बोलने की। सलाम लेकर तो हुजूर के पास बैठ गया, हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए हो? तो मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। कहते दिलों का हाल जानने वाले रसूल ने फरमाया अली फातिमा के लिए आए हो, फातिमा के लिए आए हो। हजरत अली कहते हैं मेरा जवाब बड़ा निराला है, मैंने कहा हुजूर वो तीनों मेरे पास बाग में गए थे, वो तीनों गए थे मुझे उन्होंने भेजा है। कहते रसूल पाक मुस्कुरा दिए, फरमाया अली उन्होंने नहीं तुझे भेजा, रब करीम ने फातिमा का तेरे साथ निकाह कर दिया है, तेरे लिए फैसला हो गया है फातिमा का, तेरे हक में फैसला हो गया। हजरत अली सैयदा फातिमा को ब्याह के ले गए तो हजरत जैद बिन हारिसा के मकान में, कोई मकान नहीं। ओ भाई तू दौलत देख के बेटी की शादी करता है, सरमाया देख के फिर दुआ कराता है, दुआ करें अल्लाह मेरे दामाद को हिदायत दे दे। मेरे रसूल ने बेटी की शादी की तकवा देख के, परहेजगारी देख, दीनदारी देख, उस शख्स को बेटी दी जो असाबिकून असाबिकून के दर्जे में शामिल, जो इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति उलाइकुम खैरुल बरिया के दर्जे में शामिल, उनको अपनी बेटी दी। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सय्यदा फातिमा तज़ारा को मैं ब्याह के लाया, सारे घर के काम हजरत फातिमा ने किए, मैं मजदूरी करता दो घंटा या डेढ़ घंटा, जोर से असर के दरमियान काम करते, दो किलो खजूरें मिली तो मौला अली ने उठा के अपनी कमर पे रखी, बाग का मालिक कहने लगा अली थोड़ा काम और कर लो, फरमाया दो किलो हो गई बड़ी हैं, एक किलो मेरे बच्चे खाएंगे एक किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। तो कहा अली कल क्या करोगे? फरमाया कल जो रब जिंदगी देगा वो रोजी भी देगा।
तो बंदा मशवरा देने लगा, मशवरा भी होता है ना करीब से, मशवरों वाले भी बड़ी खराबी करते हैं इल्ला माशाल्लाह। कहा अली जायज पैसे तो इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्या हर्ज है, जायज जायज इकट्ठे कर लें। तो शेर खुदा ने एक जुमला कहा पर शेरों जैसा कह दिया। हजरत अली फरमाने लगे माल हराम हो तो अजाब होता है, हलाल हो तो हिसाब होता है, लिहाजा ना मैं अजाब वाला काम करता हूँ ना असाब वाला काम करता हूँ, मैं इकट्ठे ही नहीं करता, ना बंदा असाब के चक्कर में पड़े ना अजाब के चक्कर में पड़े, मैं इस रस्ते जाता ही नहीं। मौला कायनात शेर खुदा और भाई हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं जब उस बात को याद करता हूँ तो आज भी रो पड़ता हूँ। कौन सी बात? फरमाने लगे मैं कूफे के बाजार से गुजर रहा था तो मौला अली शेर खुदा कूफे के चौक में खड़े थे और हाथ में जीरा पकड़ी हुई थी, वो वाली जीरा जो बदर में भी उनके पास थी, वो वाली जीरा जो उहद हुनैन खंदक और खैबर में भी उनके पास थी, जीरा पकड़ी हजरत अली ने और शेर खुदा कह रहे हो भाइयों मेरी जीरा खरीद लो मेरी जीरा। अमीरुल मोमिनीन है उस वक्त, अमीर वक्त है, बादशाह है कूफे के बाजार में, ओ भाई मेरी जीरा खरीद लो, ये बड़ी निस्बत वाली है, बदर उहद हुनैन में मेरे साथ रही। और शेर खुदा फरमाते क्या है, फरमाते जब अली ने ये लफ्ज कहे तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत अली फरमाने लगे अगर मेरे पास नया तामद खरीदने के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता, नया तामद खरीदने के पैसे होते तो मैं कभी ना बेचता। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जिंदगी गुजारी बापर्दा, परहेजगारी, दरवेशी, सादगी, सारी जिंदगी किसी का शिकवा नहीं किया मौला अली ने, बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है मौलाना जफरुद्दीन बिहारी, उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। कहते हैं हुजूर मेराज पे गए तो वहां से एक जुब्बा लाए, एक कमरे में दाखिल हुए, जन्नत के कमरे में संदूक खोला सरकार ने, एक जुब्बा निकला, तो कहे अल्लाह मैं ले जाऊं, तो रब करीम ने फरमाया भी मुझे पता है तू लेके जाएगा पर पहनेगा नहीं, किसी ना किसी गुलाम को दे देगा। कहा मौला वो तो फिर तेरा फजल है। रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाएगा, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए, अल्लामा बिहारी अलैहि रहमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी, अगर मैं तुझे दे दूं ये जुब्बा, अगर तुझे दे दूं तू क्या करेगा? तो हजरत अबू बकर कहने लगे हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, तो अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा। हजरत उमर को बुलाया, कहा फारूक आजम अगर आपको दे दूं तो, कहा हुजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है पर राजे इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो, जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने अर्ज करने लगे हुजूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह तआला की दी हुई ताकत से। हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दा पोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के ऐबों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीबे करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, का हुजूर अली ने सख्ती की है हम पर, शेर खुदा ने सख्ती की है, बाल जंग के मौके पर कहीं से पास अलार बने होंगे या जो मामला था सख्ती की है। कहते हुजूर की बारगाह में लफ्ज कहे तो नबी पाक नाराज हो गए, फरमाया तुम्हें पता है अली कौन है, हुजूर कौन है? फरमाया अली मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है मैं अली में से हूं, अली मुझसे है और मैं अली में से हूं, तुम्हें उसका पता है? मेरे हबीबे पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार, अब यहाँ अली अली कहने वाले एक तो वो तबका है मलंगों का जिनका मैंने रोना शुरू में रोया है और हम रोते ही रहते हैं, अल्लाह करे इन लोगों का सफाया ही हो जाए, आमीन तो कह दें। और एक वो तबका है अल्लाह खैर करे जो हजरत अली का नाम लेते हैं तो बाकी तीन को पूछते ही नहीं, पूछते ही नहीं। हजरत अली बैठे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए तो देख के मुस्कुराने लगे, तो मौला अली शेर खुदा कहने लगे अबू बकर हंसते क्यों हो? का हुजूर ने फरमाया था कयामत के दिन अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। कहने लगे लगता है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। तो अबू बकर कहने लगे पूरी बात क्या है? फरमाने लगे मुझे नबी पाक ने कहा था अली जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करे।
उसको टिकट देनी है जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करे, उसको टिकट देना जन्नत की। इन लोगों का प्यार, इनकी वफा। और फिर अजीब लोग चक्कर है, लोग कहते हैं हजरत अली के हक पे कब्जा हो गया। अली को इतना कमजोर ना समझो, शेर खुदा को इतना, अगर हुसैन इब्ने अली नहीं कब्जा करने देते यजीद जैसे जालिम को, तो अली अल मुर्तजा शेर खुदा के सामने को टेक सकता है? हजरत अली शेर खुदा मुशीर रहे जनाब सिद्दीक अकबर के, वफादार रहे हजरत फारूक आजम के, और फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो मुहाफिज रहे हजरत उस्मान गनी के, वो रसूलुल्लाह सल्लल। और सुनो एक अजीब बात लिखी है बुजुर्गों ने, कहते हैं बदर या उहद में एक जंग में ऐसा भी हुआ कि कपड़ा नहीं मिलता था झंडा बनाने के लिए, तो हजरत आयशा की एक पुरानी चादर थी उसका झंडा बनाया गया, तो झंडा सबसे पहले मौला अली शेर खुदा ने उठाया। हजरत आयशा सिद्दीका के साथ प्यार मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हो। यहां तो लोग ना जाने कौन सी खिदमत कर रहे हैं। अगर हुजूर के करीब रहने वाले पास बैठने वालों में आपस में इतनी इत्तेफाक नहीं था तो आज मुसलमानों में कैसे पैदा हो? तुमने तो दीन का सारा रंग ही गदला करके रख दिया, तुमने तो वहां बुग्ज़ पैदा कर दिया जहां से लोगों को इत्तेफाक का दर्स मिलना था, वफा का सबक जहां से लोगों ने पढ़ना था, ने वही हालात खराब कर दिए। मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजुल करीम से सहाबा के मजमे में बैठे थे, यारों के बीच बात हो रही थी। अब हजरत अली की तालीम सुन ले, हजरत अली की तालीमात क्या है। बैठे थे, गुफ्तगू छेड़ गई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की। हर आदमी ने कहा मुझे फलां चीज पसंद है, फलां चीज पसंद है, फलां चीज। तो पूछा अली आपको क्या पसंद है? तो हजरत अली कहने लगे तीन चीजें पसंद है। कहा कौन कौन सी? फरमाया एक मेरा दिल करता है कि रोजा गर्मी का हो। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें पता चल जाए रमजान में बरकत क्या है तो तुमको सारा साल ही रोजे होने चाहिए, ये इतनी फजीलत की बात। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मुझे गर्मियों का रोजा पसंद है। और फिर हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे पसंद ही है कि मैं अकेला खाना ना खाऊं, जब भी खाऊं मेरे साथ कोई मेहमान बैठा हो, ये मेरी पसंद है। हजरत अली कहते हैं मेरी तीसरी पसंद ये है कि मेरे मुकाबले में जो दुश्मन आए वो कमजोर नहीं होना चाहिए, वो कमजोर नहीं, वो तगड़ा ताकतवर दुश्मन आए। फरमाते मुझे मजा तो आए ना रब के रस्ते में जिहाद करने का, तगड़ा दुश्मन। आज मुसलमानों का बड़ा दुश्मन पैदा हुआ है और सरबरा है इस्लाम के सारे दुश्मनों का, लेकिन मुसलमान उससे डरते हैं, उससे ताल्लुक बनाना चाहते हैं, उसके करीब जाना चाहते हैं। हजरत अली ने पैगाम दिया मजा ही तब आता है जब दुश्मन दलेर हो, मजा ही तब आता है जब दुश्मन तगड़ा हो, लुत्फ ही तब आता है जब तुम्हारा मुकाबला सख्त आदमी के साथ हो। हजरत अली शेर खुदा, फजर का वक्त था, हाथ में छड़ी पकड़ी थी, 63 साल उम्र मुबारक थी, कूफे की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाने आ रहे थे, हर दरवाजे पे दस्तक देते उठो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। रस्ते में हजरत अली लोगों को जगाते जगाते आए, जब मस्जिद कूफा में पहुंचे तो एक बदबख्त खंजर छुपाए खड़ा था, उसने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हो को खंजर मारा। वो दोस्ताना जो 10 साल की उम्र में शुरू हुआ था, जब शेर खुदा को खंजर लगा तो पता लफ्ज क्या थे? फुज़्तु बिरब्बिल काबा, लोगों रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मेरी जिंदगी दीन के काम आ गई, मैं कामयाब हो गया। हजरत अली की दाढ़ी सारी लहू से भर गई। हजरत शेर खुदा फरमाया करते थे एक दफा मैं बड़ा बीमार हुआ, मेरे से उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता था, हुजूर तीमारदारी करने आए तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह पता नहीं बचूंगा कि नहीं। हुजूर ने फरमाया अली नहीं, तू उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी लहू से रंगीन हो जाएगी। शेर खुदा कहते हैं जब जख्म लगा तो मैंने नीचे झुका कर देखा तो दाढ़ी लहू से भरी हुई है, मैंने कहा बस वही कामयाब हो गया। जामे मस्जिद कूफा में मौला अली ने सर सजदे में रखा, और इस्लाम की तारीख का वो शख्स जिस शख्स ने अपनी बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा, और जाते जाते इमाम हसन और हुसैन को करीब बुलाया और वसीयत कर गए बेटा जीना उसी का है जो दीन के लिए जिए, बेटा मरना उसी का है जो दीन के लिए मरे, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हजरत शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजुल करीम खातमुल खुलफा थे, उन पर खिलाफत इस्लामिया खत्म हुई। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हो जिस दिन विसाल हुआ, आपके बेटे कहते हैं उस रात मौला अली ने खजाने का माल सारा एक रात पहले तकसीम किया, और फिर जिस जगह माले खजाना होता था वहां दो नफल पढ़ के कहा ए अल्लाह मैंने तेरे बंदों की अमानत तेरे बंदों तक पहुंचा दी है, जिंदगी दीन के नाम करके वो शेर रुखसत हुए। 21 रमजान मुबारक की शाम ढली तो हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रुखसत हुए। सहाबा कहते हैं मदीने में कोहराम मचा,
बगदाद की गलियां सूनी हुई, कूफे के लोग तड़पे, मक्के में भी लोगों ने दुआएं मांगी। वो सूरज इस अंदाज में दुनिया से गया कि उसकी रोशनी कयामत तक बाकी रहेगी, उसका उजाला कयामत तक चमकता रहेगा। हजरत अली का नाम आज खुददारी की अलामत है, हजरत अली का नाम ईमान की अलामत है। मौला अली के नाम का नारा लगता है तो सीनों में खून दौड़ता है, ताकतें बेदार होती हैं, रूहें बेदार होती हैं। हजरत अली कसरत से नमाज पढ़ते, कसरत से रोजे रखते, कसरत से इबादत करते। हज तो इतना महबूब था, हर साल हज करने जाते, हर साल हज करते। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु का आलम यह था कि बावजूद गुरबत के, बावजूद गरीबी के, घर में कोई शय, और ये जानबूझ के गुरबत इख्तियार की थी, वरना तो मालिक थे कौन है, बावजूद फकरे इख्तियारी के हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता था। एक साइल मस्जिद में मांगने आ गया, तो हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे। एक तरफ हाल ये है कि हजरत अली को तीर लग गया, एक जंग में दो तीन तीर लग गए, तो हकीम कहने लगे हजरत आपको दरख्त के साथ बांधेंगे फिर तीर निकालेंगे, वरना तो आप बड़ा तड़पेंगे। हजरत अली फरमाने लगे जरूरत ही कोई नहीं, जब मैं नमाज की नीयत बांधू तो निकाल लेना, मुझे पता भी नहीं चलेगा। एक तरफ हाल ये है, एक तरफ, और दूसरी जानिब क्या हाल है, एक मांगने वाला फकीर मदीने आया तो सहाबा अपनी अपनी नमाजें पढ़ रहे थे, हजरत अली भी नमाज में थे, नमाज में ही रब के बंदों का ख्याल आ गया। हुजूर की हदीस मैंने सुनाई थी ना, नबी पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा होता हूँ पर बूढ़े का ख्याल आता है तो नमाज छोटी कर देता हूँ, बीमार का ख्याल आता है तो छोटी। हजरत अली कहते हैं मस्जिद में आके पुकारा तो मैंने सलाम भी फेरने का इंतजार नहीं किया, मेरे पास चांदी की अंगूठी थी, मैंने फौरन उतारी और नमाज के दौरान ही मैंने उसकी जानिब फेंक दी। फरमाते हैं उस साइल ने जाके हुजूर को बताया, हुजूर आज मैं मस्जिद में गया हूँ, सब नमाज पढ़ रहे थे, कुछ मिला नहीं। हुजूर ने फरमाया वहां अली नहीं थे? हुजूर थे। फरमाया मेरे कुछ मिला? कहा हुजूर उसने तो नमाज पढ़ते पढ़ते भी सखावत कर दी, नमाज पढ़ते पढ़ते भी सखावत कर दी। माला वाले सखी नहीं होते, कौन पैसे वाले सखी? मैं नहीं दिया खा, मियां साहब कह रहे हैं माला वाले सखी नहीं होते, सखियां माल नहीं होता, इथे उथे दुआ जान नहीं, सखी कलाल नहीं होता। नबी पाक ने फरमाया जिसकी जेब में पैसे है वो सखी नहीं होता, जिसका दिल बड़ा है वो सखी होता है। हजरत अली शेरे खुदा घर में तीन तीन दिन खाना नहीं पकता, पर जो आता है वो झोली भर के लेके जाता है, वो झोली भर के। भाई जिंदगी उसकी है जिसकी दीन के काम लग गई, वरना लोग वक्त जाया करके चले जाते हैं। पैसा कमाना, दौलत कमाना, रिज़्क़े हलाल कमाना इबादत है, पर इसको दीन ईमान बना लेना हुसन नहीं जिंदगी का। लोग अपना आप जाया कर देते, अपना आप जाया ना करो। शेर खुदा का महल कोई नहीं था पर लगता है सारी कायनात शेर खुदा की जागीर है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन आज अगर अल्लाह किसी को नूरे बसीरत दे तो वो उठ के देखे कायनात में जितना कुछ भी है, आज पूरे आलम दुनिया में, आलम इस्लाम में हजरत अली का जिक्र हो रहा है, पूरी दुनिया हजरत अली का। फिर अल्लाह ने फहम दिया, बसीरत दी हजरत अली को, अल्लाह ने इल्म दिया, बहुत बड़े आलिम थे हजरत अली, बहुत बड़े। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अगर हमारे दरमियान अली ना होते हम हलाक हो जाते, जहां कोई मसला बनता शेर खुदा उस मसले को हल करते। बल्कि हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए इंसानी शक्ल में हजरत अली के सामने खड़े होकर कहने लगे अली सुना है आप शहर इल्म के दरवाजे हैं? हजरत अली कहने लगे मैंने नहीं कहा, यह तो मेरे रसूल ने करम फरमाया है। कहने लगे चलो बताओ जिब्रील इस वक्त कहाँ है? हजरत अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं बाएं आगे पीछे देखा, फरमाने लगे ना तो इस वक्त सात आसमानों पे है, ना सात जमीनों पे है, ना मशरिक मगरिब शमाल और जनूब में है। फरमाने लगे या तू जिब्रील है या मैं जिब्रील, एक है दोनों में से। तो हजरत जिब्रील कहने लगे अली सच का है मुस्तफ़ा ने, तू वाकई इल्म का दरवाजा है, तू तो अली है, जिब्रील तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जिब्रील। ये उनके इल्म की वसअत, ये उनकी हिकमत और दानाई की वसअत, ये और ये कहाँ, ये जो फाम व फिरासत है ना मेरे भाई, ये किताबें पढ़ने से ज्यादा नहीं आती, किताबें रहनुमाई करती, फम व फिरासत परहेजगारी से आती है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हें बसीरत का नूर अता फरमाए, बातन की आंखें दे देता है। जब बंदा अल्लाह, इमाम मालिक से किसी ने कहा था हुजूर मेरा हाफजा कमजोर हो गया, तो फरमाया गुनाह करने छोड़ दे, इल्म अल्लाह का नूर है, गुनाहगारों को नहीं दिया जाता। तेरे जहन के अंदर जब वसवसे बसेंगे तो अल्लाह का नूर कैसे आएगा,
हजरत अली की जिंदगी मिशाल राह है, उसको अपनाएं। हजरत अली का सजदों से प्यार है, सखावतों से प्यार है, इबादतों से प्यार है, जिहाद से प्यार है, उनका मेहमान नवाजी से प्यार है, उनका गर्मी के रोजे से प्यार है, उनका मैदान से प्यार है। अपने आप को इन लोगों की सीरत का हामिल बनाएं, नकुशे कदम चलने की कोशिश करें। दुआ है रब करीम की बारगाह में अल्लाह हमें हजरत अली की सच्ची मोहब्बत और सच्ची फरमाबरदारी अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।